दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। यह दुनिया ना जाने कितने अनगिनत रहस्यों को अपने गर्भ में छुपाए हुए है, जिनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो शायद कभी सुलझ नहीं सकते। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी नदी के बारे में बताएंगे, जिसके पास जो भी गया वह उसी नदी में समा गया। नदियों को हमारे देश में जीवनदायिनी कहा जाता है, क्योंकि नदियां जहां से भी गुजरती हैं, वहां वे अपने चारों ओर के खेतों को अपने जल से संचित करते हुए गुजरती हैं। इससे फसलों में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया को बनाने वाले ने इसमें बहुत से रंग भरे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। यहाँ हम इसी प्रकार की एक नदी के बारे में देखेंगे। यह नदी देखने में बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती की वजह से लोग इसके पास गए, पर आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा और ना ही आज तक उनका मृत शरीर मिला। यह नदी इंग्लैंड में है और इसका नाम वार्फ नदी है। इस नदी को बेहद खतरनाक माना जाता है। यह महज 6 फुट चौड़ी है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ही ज्यादा है। कहा जाता है कि इस नदी के नीचे एक रहस्यमयी खाई है और जैसे ही कोई इस नदी में उतरता है, वह तेज भाव की वजह से उस नदी के नीचे रहस्यमयी खाई में पहुंच जाता है, जिसमें आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस नदी में आधुनिक उपकरणों की मदद से उस खाई में देखने की कोशिश करी, परंतु जैसे ही वह उपकरण पानी में उस खाई के पास जाता था, वह खराब हो जाता था और वहीं नुकीली चट्टानों से टूटकर गिर जाता था। स्थानीय प्रशासन ने इस खतरे को देखते हुए इस नदी में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन नदी के आसपास बाकायदा इससे जुड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिस पर साफ लिखा है कि नदी में तैरना और नहाना मना है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग गलती से इस नदी में घुसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2010 में एक 8 साल के लड़के की मौत इस नदी में डूबने की वजह से हो गई थी। इसको पार करने के चक्कर में भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से यह नदी अब तक कई मौतों की वजह बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर लेडी अलाइस रूमिली नाम की महिला का अधिकार था। 1154 में उसके बेटे की मृत्यु इस नदी में जाने की वजह से हो गई थी। इस घटना के बाद उसने आसपास के पूरे क्षेत्र को बोल्टन प्रायरी ईसाई मठ बनाने के लिए दे दिया था। यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि मरने वाले का मृत शरीर आखिर मिलता क्यों नहीं है। दोस्तों, हम भारत के इतिहास और गौरव गाथा पर एक नई सीरीज शुरू करने की सोच रहे हैं, जहां हर शुक्रवार को हम एक एपिसोड डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम यह सीरीज शुरू करें, तो इस वीडियो पर 4000 लाइक्स और 1000 फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करें। आज के भाग में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।